أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैला मजनू की सच्ची दास्तान इश्क पर। मौजी सामीन कराम, पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर जिला राजस्थान के शहर श्री गंगानगर के गांव बिन जोर में दिन ढलते ही एक मजार पर कवाली की धुनों के बीच बहुत से नौजवान जोड़े अपनी मोहब्बत के कामयाब होने की दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। ये और किसी का मजार नहीं बल्कि दुनिया को अपनी बेइंतिया मोहब्बत से पहचान करवाने वाले लैला मजनू की कब्र पर बना है। यहाँ हर साल 15 जून को मेला लगता है। यहाँ आने वाले यकीन रखते हैं कि यहाँ इनकी दुआएं कबूल होती हैं। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की दास्तान इश्क बिल्कुल जिंदा जावेद है। ये ऐसी दास्तान इश्क है जिसने इश्क के जुनून का आबे हयात पी रखा है। कहा जाता है कि लैला मजनू एक दूसरे से बेइंतिया मोहब्बत करते थे, लेकिन इनको जबरन जुदा कर दिया गया था। इनकी मोहब्बत को देखते हुए लोगों ने लैला मजनू के नाम के बीच और लगाना बंद कर दिया, जिससे वो दो के बजाय एक नाम बनकर रह गया। मकामी लोग इस मजार को लैला मजनू का मजार कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लैला मजनू की कहानी के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें, तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये इस वक्त की कहानी है जब मोहब्बत करना बहुत बड़ा जुर्म था। एक अरब ताजिर के बेटे कैश, जिसको बाद में मजनू के नाम से पुकारा गया, मोहब्बत में दर बदर होना इसकी किस्मत में लिखा हुआ था। बहुत से इल्मे नजूम रखने वाले नजूमियों ने कैश के बाप को बताया था कि कैश किसी की मोहब्बत में पागल होकर दर बदर भटकता फिरेगा। इस बात को झुठलाने के लिए, गलत साबित करने के लिए कैश के बाप ने बहुत जतन किए, लेकिन तकदीर के आगे तदबीर का क्या काम। कहा जाता है कि लैला सऊदीया अरब की और मजनू यमन का था। यह हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। कैश को मजनू का लकब भी हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। दोस्तों लैला मजनू बुनियादी तौर पर एक अरबी उल असल दास्तान है। इसमें बयान करदा किरदार तारीखी तौर पर साबित माने जाते हैं। लैला मजनू दो हकीकी शख्सियात थी और इनकी दास्तान इश्क भी हकीकी है, जिसको कलम बंद किया गया और बाद में सदियों इन पर बहुत कुछ अफसाना तराजी भी की गई। अरबी में सबसे पहले किसने इसे लिखा, इसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं मिलती, लेकिन इसको अरबी से फारसी में सबसे पहले रोदकी ने मुंतकिल किया। इसके बाद निजामी गंजवी ने इसको फारसी में लिखा, जिसने इसकी मकबूलियत को सारी दुनिया तक पहुँचा दिया। अब तक हजार से ज्यादा मर्तबा इस दास्तान को मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ लोग नसर नजम में लिख चुके हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा मकबूलियत और अहमियत निजामी गंजवी की लैला मजनू को ही हासिल रही है। दोस्तों लैला मजनू इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। मजनू का असल नाम कैश इब्ने अलमलू इब्ने मजाहम है। मजनू लघवी तौर पर पागल, दीवाने और आशिक को कहते हैं। लैला का असली नाम लैला बिनते महदी इब्ने साद बयान किया जाता है। बहुत से राइटर ने लैला को सांवली सूरत वाली बनाकर पेश किया है और मशहूर है कि लैला बहुत सिया रंगत वाली थी, लेकिन बताया जाता है कि लैला अरबी थी, तो इस तरह लैला का काला होना एक खिलाफ वाकिया बात है। निजाम गजवी के किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे, तभी इनमें बाहिमी उल्फत पैदा हुई। मजनू की तवज्जह तालीम के बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से सजा मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथ पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने यह बात लैला मजनू के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लग गई, जिससे इनके बीच जुदाई आ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ लैला मजनू दोनों जवान हो गए। एक दिन मजनू की नजर लैला पर पड़ी, जिससे मजनू को वो तमाम अहदो पैमा याद आ गए जब वो और लैला बकरियां चराने जंगल जाते और घंटों एक दूसरे में खोए रहते और एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, लेकिन लैला के बाप ने इनकार कर दिया। इसके बाद लैला का भाई तबरेज मजनू को मारने की कोशिश करता है, मगर मजनू इसको कत्ल कर देता है।
जिसकी वजह से मजनू को सरेआम मोहब्बत का इजहार करने और लैला के भाई को मारने पर संसार करने की सजा सुनाई गई। बास कहानियों में तबरेज के कत्ल का किस्सा नहीं है बल्कि रिश्ता देने से इनकार किया जाता है और कुछ अरसा बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर कैस पागल हो जाता है। जामिया अजहर शोभा उर्दू के सरबरा डॉक्टर इब्राहिम लिखते हैं कि लैला मजनू के इश्क की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं है। बताया जाता है कि कैस अरब का बहुत बड़ा शायर था। इसने अपनी महबूबा के लिए कुछ शेर कहे जिनका तर्जुमा ये है, वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वस्त में चमक रहा है। वो नहायत हसीन है, इसकी आंखें इस कदर सियाह हैं कि इनमें सुरमे की जरूरत नहीं। कैस अपने खानदान के साथ लैला के वालिद के पास गया और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के बाप ने बदनामी के डर की वजह से रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक और कबीले के नौजवान ने लैला के लिए अपना रिश्ता भेजा जिसको कबूल कर लिया गया। कैस इतना बेचैन हुआ कि वो बहुत बीमार हो गया। इसके वालिद ने कहा कि वो अपने कबीले की किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर अब कैस लैला की मोहब्बत में इतनी दूर निकल गया था कि वापसी मुमकिन ना थी। रफ्ता रफ्ता कैस की हालत ऐसी हो गई कि इसको अपने तन बदन का होश ना रहा। लोगों ने इसके बाप को मशवरा दिया कि वो कैस को बैतुल्ला ले जाए और वहां जाकर दुआ मांगे। कैस का बाप इसको लेकर मक्का चला आया और कैस को कहा कि अल्लाह ताला से लैला और इसकी मोहब्बत से निजात की दुआ मांगे। मगर कैस ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे लैला और इसकी कुर्बत अता फरमा। तो कैस के वालिद इसको वापस यमन ले आए। रास्ते में एक जगह कैस ने खुद को पहाड़ से गिराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसको बचा लिया। अपने कबीले में वापस पहुंचकर कैस का बाप एक बार फिर लैला के बाप के पास गया ताकि लैला के बाप को लैला और कैस की शादी पर आमादा करने की कोशिश करे, मगर फिर इनकार हो गया। लैला की शादी दूसरे लड़के से कर दी जिसका पैगाम आया था। लैला खुद भी कैस की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, लेकिन खानदान की नेक नामी और वालदैन की अता से मजबूर थी। कैस को ये मालूम हुआ कि लैला की शादी हो गई है तो इस पर कयामत टूट पड़ी। इसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया और वह अपने वजूद को भूल गया, गोशा नशीन हो गया और एक दिन सहरा में निकल गया और लैला को आवाजें देता, पहाड़ों दरख्तों और जंगली जानवरों से लैला का पूछता कि लैला कहाँ है। उसी हाल में एक दिन इसकी नजर एक हरनी पर पड़ी। वो इसके पीछे चल पड़ा और बहुत दूर वीरानों में चला आया। इसके कबीले वाले इसको सहराओं में ढूंढते रहे। कुछ अरसे बाद कैश कबीले वालों को एक पथरीली वादी में मुर्दा पड़ा मिला। मौजी सामीने कराम, कहा जाता है कि कैस की तरह लैला भी एक शायरा थी और यही वजह है कि जिसने इस मोहब्बत के किस्से को एक अलमिया बना दिया। दोस्तों, लैला मजनू की मौत कैसे हुई इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि लैला और कैस अरब से भाग गए और सिंध की वादी में पहुंच गए। यहां आकर प्यास की वजह से इनकी मौत हो गई और यहाँ पर इनको दफना दिया गया। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिम उल जफर और आप देख रहे हैं अजमी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, जिए और जीने दें। अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी, अल्लाह हम सब कामियो नासिरो, फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।